ये तीसरा वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, 2010 और सो 2013 की सीरीज में। मैं 2013 का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर जो भी आइडियाज मैं बताऊंगा वो सभी सब वर्जन में अप्लाई करेगी, और जहां पर भी कोई डिफरेंस आएगा मैं वहां पर आपको उसके बारे में बताते रहूंगा। इस वीडियो में मुझे आपको बताना है रिलेशनशिप्स के बारे में, जो टेबल होते हैं उसके बीच में आप दो टेबल के बीच एक साथ की कनेक्शन ज्वाइन कर सकते हो, और ये रीजन है कि एक्सेस काफी पॉपुलर हो गया, और एक्सेल के लिमिटेशन है ये कि आप रिलेशनशिप बराबर से क्रिएट नहीं कर सकते, और ये चीज आसानी से होती है एक्सेस के अंदर। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया हुआ है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें आपके कस्टमर का लिस्ट है, तो मैंने उसमें कस्टमर के नाम डाले हुए हैं, आपकी एम्प्लॉय का लिस्ट है क्योंकि आपको ट्रैक करना है कि कौन एम्प्लॉय क्या बेच रहा है, मैंने प्रोडक्ट्स की भी एक लिस्ट बनाई है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग कैटेगरीज है, उनके प्राइस और उनका कॉस्ट क्या है, और फिर हम उनकी ऑर्डर्स ले गए, और हर एक ऑर्डर्स के साथ एक ऑर्डर डिटेल का टेबल है क्योंकि एक ऑर्डर में शायद कोई दो से चार चीजें ऑर्डर करे, तो उसको हम अलग से ट्रैक करेंगे, और फिर पेमेंट्स की भी मैंने एक टेबल बनाई हुई है। अब आपको जब भी इसकी अच्छी नॉलेज लेनी है कोई भी एक्सेस की डेटाबेस की कि एक्सेस में हो क्या रहा है, तो अगर आप ये डेटाबेस टूल्स को जाओगे और इसमें रिलेशनशिप्स के बटन को हिट करोगे तो आपको एक ऐसी विंडो मिलेगी, ये जो ऐसी विंडो आएगी, अगर नहीं आती है तो आप ये शो टेबल को क्लिक करो, और फिर मैं सभी टेबल्स को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे मैं ये टेबल कंपनी इन्फो को ऐड करता हूँ, कस्टमर लिस्ट को ऐड करता हूँ, एम्प्लॉय लिस्ट को ऐड करता हूँ, ऑर्डर डिटेल्स ऐड, ऑर्डर्स ऐड, पेमेंट्स ऐड, सो सभी टेबल को मैं ऐड करते जा रहा हूँ, और फिर से क्लोज कर देता हूं। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हो, जैसे चाहो आप मूव अराउंड करो ताकि थोड़ा इजी दिखे। और अब ये जो है इसमें मैं यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑर्डर्स का टेबल यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो ये जो ऑर्डर का टेबल है इसमें फील्ड है एम्प्लॉई आईडी, और ये जो एम्प्लॉई है और ये जो एम्प्लॉई है वो सेम रहेंगे, तो मुझे उनके बीच में कनेक्शन लगाना है ताकि मैं इस टेबल पे जाकर किसी एम्प्लॉई के नाम को क्लिक करूंगा तो मुझे उनके सारे सेल्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो और रिलेशनशिप कभी भी ज्यादा करके एक प्राइमरी की जो मेन की फील्ड होती है वहां से लेके एक नॉन प्राइमरी की को होती है, कभी कभी ऐसी टेबल होते हैं जिसमें आप प्राइमरी की टू प्राइमरी की के रिलेशनशिप क्रिएट करते हो। तो अगर मेरे को अगर ये रिलेशनशिप क्रिएट करनी है तो यहाँ से ये एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग करके इस टेबल के एम्प्लॉय आईडी के ऊपर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, और मुझे ये विंडो आती है। अब इस विंडो में मुझे बता रहा है कि ये टेबल है एम्प्लॉय लिस्ट और टेबल है टेबल ऑर्डर्स, और इस दोनों के बीच रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है, और मैं क्रिएट दबा सकता हूँ। और अगर आप चाहो तो आप ये एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है कि ये नीचे जो है अपडेट और डिलीट का ऑप्शन ये आप चूज कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो ये डिलीट का ऑप्शन चूज करता हूँ, और इसका मतलब ये है, मैं इसको सिर्फ थोड़ा साइड पे रखता हूँ, कि अगर ये एम्प्लॉय को मैं यहां से डिलीट कर दूं टेबल में से, किसी समझो जॉन एम्प्लॉय है उसे मैं डिलीट कर दूं, तो अगर ये मैं कैस्केड डिलीट का ऑप्शन ऑन रखता हूं उसका मतलब कि ये जो टेबल है ऑर्डर्स का यहां से भी वो सारे रिकॉर्ड्स को हटा दो, तो ये कभी कभी आपको ये काम आ सकता है। और अगर आप चाहो तो ये अपडेट का ऑप्शन है कि समझो मैं ये एम्प्लॉय का नाम में कुछ बदल डालूं, तो फिर उस एम्प्लॉय के नाम को इस टेबल में क्या होना चाहिए, अगर मैं अपडेट का ऑप्शन रखता हूं इसका मतलब कि वो ये एम्प्लॉय का नाम इस टेबल में भी ऑटोमेटिकली बदल जाए, अगर आप ये अपडेट नहीं रखोगे तो इसका मतलब कि ये जो नया नाम आपने जो चेंज किया है उसको लेकर एक अलग से रिकॉर्ड बन जाएगा इस टेबल में। तो आपको चाहे तो आप इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और मैं डिलीट और ये अपडेट दोनों ऑन रखता हूँ अभी, और ये क्रिएट दबा देता हूँ, और देखो ये लाइन आ गई है
अब आप कब जब भी चाहो तो इसे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो और या तो एडिट पे जा सकते हो जो ये विंडो पर लेकर आएगा। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ सेविंग। अब मैं ये एम्प्लॉई लिस्ट में मैं आपको पहले ऑर्डर दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने कोई ऑर्डर एक्सेप्ट किए हुए एम्प्लॉयज के साथ, तो अभी अगर मैं ये एम्प्लॉय लिस्ट को जाता हूँ तो देखो ये मुझे उनके बाजू में एक प्लस साइन दिखा है। तो जब मैं एम्प्लॉय के प्लस साइन को क्लिक करूंगा मुझे उनके ऑर्डर के बारे में पता चलते जाएगा। तो ये जो है ये प्लस साइन ये रिलेशनशिप होने के बाद ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसे क्लोज करता हूं। अब एक आसान तरीका है रिलेशनशिप क्रिएट करने का भी, और उस तरीके में ये होता है कि आपको जैसे कि अगर मैं ये टेबल ऑर्डर में जाता हूं और जब मैं ये इसे क्लिक करता हूं एम्प्लॉय आईडी में मुझे ये ड्रॉप डाउन बटन मिलता है ताकि मैं लोगों का नाम चूज कर सकूं, तो उसी तरह से कंपनी में भी मैं एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट कर सकता हूं और साथ साथ मैं एक रिलेशनशिप भी ऐड कर सकता हूं। तो इसे करने के लिए आपको डिजाइन व्यू पे जाना पड़ेगा। तो मैं ये इस टेबल ऑर्डर के डिजाइन व्यू पे आता हूं और ये कस्टमर आईडी है जो मुझे रिलेट करना है इस कस्टमर टेबल के साथ। तो इसे ड्रॉप डाउन बटन से आप ये लुकअप विजार्ड स्टार्ट करोगे, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ये सेकंड ऑप्शन यूज करते थे क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऑप्शन थे जैसे सिटी के थे मुंबई, तो मैं वो टाइप कर सकता हूं, मगर इस केस में हम फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे कि मुझे वैल्यूज लुकअप करना है मगर एक दूसरे टेबल से। तो मैं ये उसको चूज करके नेक्स्ट करता हूं और फिर ये टेबल कस्टमर लिस्ट चूज करूंगा क्योंकि उसके साथ मुझे कनेक्शन करना है, और फिर मैं नेक्स्ट करता हूं। और अब मुझे चूज करना है कि किस आईडी को लेना है और किस फील्ड को लेना है। तो कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है तो वो तो लेनी ही है, अगर आप नहीं भी लोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर मैं ये नहीं लूँ और सिर्फ कंपनी नेम लूंगा तो वो भी फिर भी आ जाएगा, मगर कस्टमर आईडी लेना अच्छी बात है तो 123। मगर ड्रॉप डाउन बटन में अगर मुझे 123 बताएगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी कंपनी है, तो मैं फिर ये कंपनी नेम भी ले लेता हूँ तो ताकि मुझे कंपनी का नाम पता चलेगा। फिर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। आप चाहो तो किसी ऑर्डर में डाल सकते हो कि आपको नाम सॉर्टेड चाहिए ए टू जेड में कंपनी नेम से। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैंने अभी सिर्फ तीन ही कंपनी टाइप की है, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, और ये की कॉलम को हाइड कर रहा है क्योंकि मुझे 123 नहीं देखना कि कंपनी का प्राइमरी की क्या है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से 2007 में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता डेटा इंटेग्रिटी का, तो अगर ये नहीं मिलता तो फिर आपको डेटाबेस ट्यूल्स और रिलेशनशिप विंडो से कर सकते हो, मगर ये यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। और इसे फिनिश कर देता हूं, और आप देखोगे कि ये कस्टमर आईडी का डेटा टाइप नंबर है क्योंकि ये जो कस्टमर लिस्ट का कस्टमर आईडी है वो नंबर है, इसके लिए यहां पर वो नंबर सेट करने में आया है। तो अगर आप डेटाबेस टूल्स से जाके रिलेशनशिप में अगर आप यहां से जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हो तो तब ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप मैच करता है, अगर मैच नहीं करेगा तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। अब देखो ये मैंने जो लुकअप विजार्ड से किया ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन गया है। अब मैं चाहूँ तो इसे राइट क्लिक करके एडिट रिलेशनशिप करके मैं चाहूँ तो एनफोर्स कर सकते हो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये मुझे करने नहीं दे रहा क्योंकि टेबल ओपन है, तो इसे क्लोज कर देता हूं। तो ये जो टेबल है इसे बताने के लिए होम से जाके डिजाइन व्यू पे से डेटा शीट व्यू को आते हैं। अब ये कंपनी नेम में मुझे ये ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा। अगर मैं इधर क्लोज करके कंपनी लिस्ट को जाता हूं और यहां पे मैं एक नई कंपनी ऐड करता हूं, अब देखिए यहाँ पे भी प्लस साइन आ गया है। तो जब मैं ये बी कंपनी के इसको टच करता हूं तो मैं उसके सब ऑर्डर्स देख सकता हूँ यहां से ही। तो ये डी कंपनी ऐड करी, अब मुझे क्लोज करता हूं और ये ऑर्डर्स की इसमें जाता हूं तो यहाँ पे मुझे अब वो डी कंपनी भी दिखेगी। क्लोज कर देता हूँ। डेटाबेस टूल्स, रिलेशनशिप्स,
और इसे राइट क्लिक करके एडिट, अगर मैं एनफोर्स करना चाहूँ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, और मैं इसे करता हूँ। और ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एक दूसरी चीज क्या करेगी कि समझो कि यहाँ पे एक फील्ड थी टेलीफोन नंबर, और ये टेबल ऑर्डर में भी टेलीफोन नंबर है, तो ये एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये भी वेरीफाई करेगा कि ये दोनों के टेलीफोन नंबर सेम हो, नहीं तो वो इश्यू क्रिएट करेगा। तो ओके, तो ये रिलेशनशिप बन गया है, इसे क्लोज करता हूँ। अब टेबल ऑर्डर डिटेल्स को डिजाइन व्यू पे जाते हैं राइट क्लिक करके, और ये जो टेबल ऑर्डर का आईडी है, ये जो आईडी है वो इस आईडी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो टेबल ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है इसमें मैं एक एक आईडी के साथ अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्रोडक्ट्स में एसोसिएट कर सकता हूँ। तो ये उस चीज के लिए मुझे ऑर्डर आईडी के साथ रिलेट करना है। तो अगर अगेन रिलेशनशिप करने के लिए मैं ये लुकअप विजर्ड स्टार्ट करता हूँ, आई विल लुक अप द वैल्यूज नेक्स्ट, और फिर इसे कनेक्ट करना है टेबल ऑर्डर से नेक्स्ट, और इसे ये ऑर्डर आईडी की फील्ड ले लेता हूँ, और कोई इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये 1 2 3 4 ही दिखाएगा, फिनिश। अब जी ये टेबल ऑर्डर्स को जाते हैं तो ये प्लस साइन रहता है, तो मैं ऑर्डर आई डिटेल से इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो ये दूसरा टेबल है जो टेबल ऑर्डर्स डिटेल, और ये बता रहा है कि ये इस ऑर्डर के साथ ये दो जॉब दो प्रोडक्ट एसोसिएटेड है। तो ये इस तरह से रिलेशनशिप बनते हैं, और उसी तरह से जैसे कि अब ये पेमेंट्स के हैं तो वो भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं जहां पे भी जरूरत है। अब ये ऑर्डर्स को जाकर यहां पर, अच्छा ये शिपिंग मेथड का रिलेशनशिप मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूं। शिपिंग मेथड, और ये ऑर्डर आई डिटेल्स के डिजाइन व्यू में जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को कनेक्ट करते हैं प्रोडक्ट टेबल्स के साथ। तो मैं उस टेबल को क्लिक करके प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम को भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के नेम से शायद पता चलेगा। अगर आपको प्रोडक्ट आईडी से ही काम करना है तो प्रोडक्ट नेम लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बता रहा है सब प्रोडक्ट्स, वो की कॉलम को हाइड करेगा। अगर आप चाहो तो इस तरह से देखकर आप प्रोडक्ट को देख सकोगे, मगर ये प्रोडक्ट आईडी आपको दिखाएगा फिर टेबल में, ये प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखाएगा। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। तो जब ये प्रोडक्ट आईडी में क्लिक करूंगा तो मुझे ये प्रोडक्ट के नाम दिखाई देंगे। अब ये पेमेंट्स का ऑप्शन है, तो ये पेमेंट्स के अंदर मुझे फिगर आउट करना है कौन से ऑर्डर आईडी है। तो ये ऑर्डर आईडी को मैं इस ऑर्डर के साथ कनेक्ट करूंगा, तो डिजाइन व्यू से आके ऑर्डर आईडी लुकअप विजर्ड। अब ये ऑर्डर्स के और ऑर्डर आईडी में पिक करूंगा, ताकि जब भी कोई पेमेंट करेगा तो मैं पिक करूंगा कि इस ऑर्डर आईडी का इतना अमाउंट आया हुआ है, तो आप ट्रैक कर सकोगे उस चीज को कि क्या हुआ है। तो अगर मैं डेटाबेस टूल से रिलेशनशिप्स को आऊंगा, अब आपको दिखेगा कि ये हर टाइप के रिलेशनशिप होने लगे हैं। इसके लिए जब भी आप कोई नए डेटाबेस की तरफ आते हैं तो आप इस सेक्शन में आओगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि इस डेटाबेस में हो क्या रहा है, फिर आप इसे अच्छे से अरेंज कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से पता चले और कोई भी इसको देखकर समझ में आ जाए कि इस डेटाबेस में हो क्या रहा है और ये सब कनेक्शंस हो रहे हैं।
अब ये रिलेशनशिप जो हमने क्रिएट कर ली है, तो इससे फायदा क्या हो सकता है? इससे फायदा ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के बेसिस पर मैं अब इनवॉइसेस क्रिएट कर सकता हूँ। मैं पहले क्वेरी क्रिएट कर सकता हूँ और उसके बाद उस क्वेरी के बेस पे एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बेसिक बताया था, तो मैं आपको सिर्फ अभी सिर्फ थोड़ा सा दिखा रहा हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियोज में शायद मैं और क्वेरीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। तो उससे अभी एक होम्स क्रिएट से जाके एक क्वेरी विजर्ड क्रिएट करते हैं। तो मैं ये क्वेरी विजर्ड को क्लिक करता हूँ जो 2007 में आपको यहाँ पर साइट पे मिलेगा और सिंपल क्वेरी करेंगे, क्लिक ओके। अब मुझे टेबल यूज करना है ऑर्डर्स, और इसमें से मैं कहूँगा कि ऑर्डर आईडी ले लो, कस्टमर आईडी ले लो, ऑर्डर का डेट ले लो, और फिर ऑर्डर डिटेल्स में से मैं प्रोडक्ट आईडी लेता हूँ, क्वांटिटी और उसका यूनिट प्राइस। तो ये मैं थोड़ी बहुत चीज ले रहा हूँ, फिर इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। और फिर अगर 2010 में ये आपको समरी का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, फिर आप ये समरी में जाके आप कह सकते हो कि यूनिट प्राइस को सम करना है या क्या करना है, तो वो सब आप इसमें कर सकते हो। और उसका दूसरा तरीका भी है, 2007 में ये फीचर जहां तक मुझे पता है अवेलेबल नहीं है। इसे फिर नेक्स्ट करता हूँ और इसे जस्ट सिर्फ नाम दे देता हूँ क्वेरी इनवॉइस और इसे मॉडिफाई पे जाके। तो ये जो है ये देखो यहाँ पे रिलेशनशिप भी बता रहा है, और इसे जब मैं रन करूंगा तो ये इस तरह से मुझे सब चीज बताएगा। तो फिर ये इसे डिजाइन व्यू में हम काफी चीजें कर सकते हैं, हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं, हमें ग्रुप कर सकते हैं और फिर कई चीजों की हम समरी क्रिएट करवा सकते हैं। सो अब जब सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये क्वांटिटी और यूनिट प्राइस है, तो हम इसका यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बिल्डर से एक कैलकुलेशन क्रिएट कर सकते हैं कि क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल क्रिएट करो। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर ये बिल्ड पे जाते हैं और मैं यहां पे टाइप करता हूं सब टोटल। तो ये सब टोटल मैंने टाइप किया, फिर एक कोलन का सिंबल डालता हूं जो टू डॉट है, और फिर यहां पे ये जो फील्ड है क्वांटिटी उसे मल्टीप्लाई करना है यूनिट प्राइस से। तो ये मुझे टोटल देगा ना कि मैंने दो चीज खरीदी $20 के हिसाब से, तो टू मल्टीप्लाई बाई 20, तो मेरा ये सब टोटल होता है। तो हम इसे यहां पर टाइप करेंगे क्वांटिटी। अब ये 2007 में ये फीचर नहीं आता जब ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहा है, 2010 और 13 में ये मिलेगा। तो मैं इसे डबल क्लिक कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस और यो ब्रैकेट्स डाल रहा है उसके आजू बाजू, और मैं इसे क्लिक ओके करता हूँ और फिर इसे रन करता हूँ। जब मैं रन करूंगा तो देखिए ये टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 20 उसका टोटल यहां पर हो गया, और ये वन मल्टीप्लाई बाय 200 ये उसका टोटल यहां पर हो गया। तो ये आसानी हो गई उस की कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसे मैं क्लोज करके सेव कर डालता हूं, तो ये मेरी क्वेरी यहां पर है। अब इस क्वेरी के बेस पर क्रिएट माय रिपोर्ट विजर्ड रन करता हूं और मैं सारी फील्ड ले लेता हूं, फिर इसे नेक्स्ट करके, और ये मैं इसे दिखा सकता हूं कि मुझे किस तरह से दिखाना है। इस तरह से दिखाना है कि इस तरह से मैं इस तरह से रखता हूं कि ये ऑर्डर आईडी ऊपर रहेगा और फिर नीचे दोनों प्रोडक्ट लिस्ट रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम ये नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये अभी फिलहाल इसे ऐसे ही रहने दो, जो टच मत करो उसे। नेक्स्ट आप चाहो तो कुछ चीज सॉर्ट कर सकते हो, और ये 2010 और 13 में ये समरी ऑप्शन है जहां पर जाकर मैं कह सकता हूं कि सब टोटल को सम करो। तो ये अगर हम नहीं भी करेंगे तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्लिक ओके और इसे नेक्स्ट करते हैं। और आप चूज कर सकते हो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। 2007 में और सारे फीचर्स दिख सकते हैं जिसमें आप डिजाइन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, और फिर इसे मैं सिर्फ नाम दे देता हूं रिपोर्ट इनवॉइस और इसे मैं फिनिश करता हूं। अब जब मैंने फिनिश किया तो आप कहोगे कि ये तो सभी लोगों की इनवॉइस दिखा रहा है, मुझे सिर्फ एक कंपनी की इनवॉइस चाहिए या मुझे सिर्फ ये एक ऑर्डर का इनवॉइस चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। तो इसे क्लोज करता हूं मैं, और आपको पता रहेगा कि ये यहां से लेआउट व्यू से जाके आप कुछ चेंजेस कर सकते हो जो मैं पिछली बार बताया था, और इसे मैं क्लोज करता हूं। अब ये क्वेरी को हम डिजाइन व्यू पे जाते हैं
और क्या कहेंगे कि ऑर्डर आईडी में मैं एक प्रॉम्प्ट डालता हूं। तो आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था पैरामीटर क्वेरी, और मैं यहां पे इनको कहता हूं कि एंटर ऑर्डर आईडी, या तो फिर अगर मैं इसकी जगह पे इनवॉइस का नंबर है तो मैं कहूंगा कि इनवॉइस का आईडी नंबर डालो, और जब मैं इसे रन करूंगा ये मुझे उसका नंबर पूछेगा। तो मैं इसे सेव करके अब क्लोज कर देता हूं, या तो क्लोज करने के टाइम पे वो कहेगा। अब जब मैं ये रिपोर्ट रन करूंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट रन कर रहा है इस क्वेरी पे और ये क्वेरी रन कर रहा है थोड़े बहुत इस टेबल पर, तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूं, तो ये मुझे कह रहा है एंटर ऑर्डर आईडी, तो मैं वन टाइप करके इसे ओके करता हूं, तो देखिए मुझे सिर्फ ये इसी एक की ही चीज दिखा रहा है। और ये देखो यहाँ पे कंपनी नेम आ गया, डेट आ गई, और ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट आ गए, और कितनी क्वांटिटी थी, और उसका सब टोटल हो गया, क्योंकि ये सब टोटल मैंने क्वेरी पे डाल दिया था। अब मैं इसके होम टैब से या तो लेआउट व्यू में चाहता हूं, और फिर ये यहां पे क्लिक करता हूं जहां पे मेरा सब टोटल है, और इसे मैं यहां से सम कर देता हूं। पता नहीं क्यों दो बार डाल रहा है, सिर्फ एक बार होना चाहिए। और 2007 में आपको अगर ये यहां पे नहीं दिखता कहीं पे ऊपर, 2010 और 13 में यहां पे दिखेगा, पर आप डिजाइन व्यू पे भी जा सकते हो और फिर आपको ये बटन दिखेगा सब टोटल का। और आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया है कि यहां पे इक्वल सम और ये सब टोटल का नाम इसके अंदर डाल दिया है। ये मैं अगली वीडियो में थोड़ा आपको बताऊंगा अगर आपको जानना हो तो। इसे क्लोज करता हूं, यस कह देता हूं सेविंग को। अब इसे डबल क्लिक करूंगा और मैं आईडी नंबर 2 डालता हूं के इनवॉइस नंबर 2, तो मुझे ये 2 का मिलेगा और ये मुझे यहां पे टोटल आ गया। और मैं चाहूं तो इसके होम से जाके लेआउट व्यू पे जाके ये टोटल के आगे मैं यहां पे एक लेबल डाल सकता हूं, तो यहां पे ये लेबल का बटन है ये वाला, और फिर इसे मैं यहां ड्रैग करता हूं। शायद ये डिजाइन व्यू से बेटर रहेगा। डिजाइन व्यू पे आते हैं, लेबल को क्लिक करता हूं और फिर यहां पे जरा ड्रैग कर देता हूं और इसमें डाल देता हूं टोटल अमाउंट। अब ये इसके प्रिंट रिपोर्ट व्यू पे आके आईडी नंबर 1, तो ये टोटल अमाउंट यहां पे आ गया। तो ये सिर्फ ये थोड़ा बेसिक आइडिया थी आपको डेटाबेस टूल्स में जाके जो रिलेशनशिप की आइडिया है, ये थोड़ा अंदाजा मिले कि ये रिलेशनशिप के वजह से एक्सेस काफी पॉपुलर है। अब अगली आगे वाली वीडियोस में मैं आके और थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि क्वेरी में कैलकुलेशन है जिसे एक्सप्रेशंस कहते हैं, और थोड़ी और इफ फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज मैसेज छोड़िए कि मैं ये कंटिन्यू रखूँ कि नहीं रखूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।